अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सीमा पर और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए, चीन की हर एक नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए हमारे हिंदुस्तान की सेना तैयार है और हर पल सीमा पर एक्टिव है और अपनी नजर गड़ाए बैठी है कि कब कोई हरकत होगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए चाइना वो देश है जिसका स्वास्थ्य सिस्टम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है, लेकिन अकड़ उसकी जाती नहीं है और इसी वजह से अब देखिए कि तवांग में किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ी और इसी वजह से अब भारत जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है, भारतीय फौज जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी वजह से तैनाती जो है बॉर्डर पर लगातार की जा रही है। तैनाती किसकी की जा रही है वो भी आपको बताएंगे निदा। बिल्कुल, क्योंकि चीन को हर बार की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो मिलेगा और मुंहतोड़ जवाब कैसे मिलेगा इसके लिए बकायदा कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। आइए उनके जरिए जल्दी से आपको समझाते हैं कि हमारी सेना कितनी तैयार है और हमारी तैयारी क्या है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सागर, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें ड्रैगन की अकड़ तोड़ेगा गरुड़, चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि देखिए सेना के जवान किस तरह से तैनात है, हिंदुस्तान का तिरंगा इसी तरह से लहराता रहेगा क्योंकि जब तक हमारे देश के जांबाज इस तरह से तैनात है। निदा, बिल्कुल, तो चीन सीमा पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो जो है उनको तैनात कर दिया गया है और अब कोई भी हिमाकत करने से पहले चीन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी IAF की स्पेशल यूनिट जो है वो तैनात है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। सागर, देखिए सभी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है हमारे गरुड़ है क्या और पहले किस तरह से इनका रोल रहा है वो भी अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स पे, लेकिन विशेष हथियारों से लैस है गरुड़ कमांडो, हथियारों को आप देखिए और हमारे गरुड़ कमांडो ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। निदा, बिल्कुल, और यही वजह है कि एक बार फिर से इनकी तैनाती जो है वो की गई है। कश्मीर में गरुड़ कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, सबको वो ऑपरेशन इनका याद था और यही वजह है कि वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि लेटेस्ट हथियार जैसे 6 फायर और AK-3 असोल्ट राइफल्स और साथ ही साथ इजरायली टेबल राइफल है और उनके विभिन्न प्रकार के गरुड़ कमांडो को दिए जा रहे हैं। समझिए उनकी ताकत और ज्यादा इजाफा होगा उसमें। सैनिकों के पास गैलेल स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ नेगब लाइट मशीन गन भी है। सागर, देखिए 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में स्पेशल हॉजिन ऑपरेशन में गरुड़ के नेगेब यानी कि LMG का प्रयोग करते हुए 5 आतंकवादियों को मार गिराया था, इसीलिए हम जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन को कई अंजाम ही दे चुके हैं। शहीद ज्योति प्रकाश निराला को अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। यह है गरुड़ की ताकत। सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए जब जब चीन की हरकत बढ़ेगी तब तब हिंदुस्तान के भी जांबाज तो एक्टिव होंगे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। गौरव, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त चाइना को लेकर के बनी हुई है, क्योंकि राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें विपक्ष लगातार जो है हंगामा कर रहा है, खास करके अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तरफ से, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें चाइना को लेकर के स्पष्ट कर दी गई हैं। फिर भी जिस तरीके की स्थितियाँ हैं इसको देखते हुए अगर हम बात करें बॉर्डर के हिस्सों की, तो जो गरुड़ फोर्सेस की तैनाती है वो की गई है और अगर हम बात करें गरुड़ कमांडो की, तो गरुड़ कमांडो देखिए साफ तौर पर जब 2001 में एक अटैक हुआ था खास करके जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर, वो भी एयरबेस पे हमारे अटैक किया गया था, उसके बाद से ऐसी जरूरत पड़ी कि आखिर जो इंडियन एयरफोर्स है उसके एयरबेस की सुरक्षा किस तरीके से किया जाए, उसके लिए ट्रेंड कमांडो की आवश्यकता पड़ी, तो गरुड़ यूनिट को तैयार किया गया। 2004 में इस पूरी यूनिट को तैयार किया गया और 2004 में जब इस यूनिट को तैयार किया गया, मुख्य रूप से इस यूनिट को तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि जो बड़े ऑपरेशन है खास करके ऐसे ऑपरेशन जिनको तुरंत प्लान किया जाता है, वैसे ऑपरेशन कैसे तुरंत किया जा सकता है, उसके लिए गरुड़ कमांडो की तैनाती की गई। हालांकि पूर्वी लद्दाख की बात करें, सीमा के आस चाइना के आसपास की बात करें, तो जो हमारे कमांडो हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें जिस तरीके की स्थितियां लगातार चाइना को लेकर के हैं और लगातार घुसपैठ की समस्या पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, लेकिन सीमा पर जो असली तैनाती हुई है इससे चाइना के होश जरूर उड़ गए हैं, क्योंकि गरुड़ कमांडो जब गरजते हैं आसमान में तो उसकी गूंज चाइना तक भी सुनाई देती है। बिल्कुल, और सुनाई देनी भी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना तैयार है उसके नकाब मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।